हाँ जी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ कमाल के फैक्ट्री के नज़ारे लेकर आए हैं जिन्हें आपने बहुत सारी वीडियो में पहले भी देखा होगा, लेकिन आप गलती से भी यह मत सोच लेना कि इस वीडियो में भी आपको कुछ घिसा पिटा ही मिलने वाला है। आप इस वीडियो में देखोगे एल्पेनलीबे कैंडी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिनको आपने बचपन में चुचुक चुचुक कर बहुत खाया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर एल्पेनलीबे के गुप्त खानों में, उनके सभी राज को आज हम खोलेंगे। दोस्तों इस कैंडी को बनाने की शुरुआत होती है शुगर की चाशनी से। सबसे पहले इस शुगर की चाशनी को खाली से बर्तन में उड़ेला जाता है। उड़ेलने के बाद इसके अंदर गेहूं के पाउडर यानी आटा सहित पानी को भी डाला जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को एक बल्ब बलाते हुए हीटर से हीट किया जाता है जब तक कि इसमें से बुलबुले ना निकलें। अब इस कैंडी पेस्ट को एक कन्वेयर बेल्ट पर खाली किया जाता है। जहां इसके सूख जाने के बाद इसे कैंची से छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया जाता है। फिर इनके अंदर कुछ मात्रा में शुगर यानी शक्कर को डालकर लोहे की कुछ राडों द्वारा इन्हें गूथा जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियों में इन कामों को ऑटोमेटिक मशीनरी द्वारा भी किया जाता है। दूसरी तरफ मिल्क के अंदर चॉकलेट के छोटे छोटे भागों को बहुत ही कम मात्रा में मिक्स किया जाता है। इस पेस्ट के तैयार हो जाने के बाद इसे एक बड़े से बर्तन यानी तबेले में खाली करके ठंडा होने के लिए फैला दिया जाता है। और इसी के साथ इस पेस्ट को हाथों से भी गूथा जाता है ताकि इस कैंडी में और ज्यादा लसलसापन आ जाए और ये रबर जैसा दिखने लगे। अब इस चॉकलेट जैसी कैंडी और मिल्क पेस्ट को मिक्स करके इन्हें मशीन द्वारा राउंड शेप दे दिया जाता है और इसकी स्नेक यानी सांप जैसी बड़ी सी लड़ी बना ली जाती है। फिर इन लड़ियों को मशीन की सहायता से एक एक करके छोटी छोटी टॉफी के आकार यानी एल्पेनलीबे की शेल्प में कट कर दिया जाता है। इसके बाद की प्रोसेस में इस पूरे पेस्ट को स्पीड के साथ घुमाया जाता है, जिनके लिए बहुत सारे रोटरों का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया से होगा क्या, ऑब्वियसली बात है चिकनाई आ जाएगी और ये दिखने में और भी लजीज लगने लगती है। पैकेजिंग होने के बाद इन्हें मार्केट में फाइनली सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। तो चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई सेलिब्रेशन, सभी में इन पेस्ट्री को बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है और आप सभी लोग इस पेस्ट्री को पसंद भी करते होंगे। अगर दोस्तों आप इस पेस्ट्री खाने के शौकीन हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फैक्ट्री में टोस्टर पेस्ट्री को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पेस्ट्री बनाने की शुरुआत होती है कुछ यूं कि पेस्ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को ब्लेंडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और साथ साथ ही इनके चमचे यानी शुगर को भी मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कुछ मात्रा में शहद यानी हनी को इसके अंदर मिक्सर के साथ डाला जाता है जो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है और यहाँ पर एक कलरफुल फ्लेवर देखने को मिल जाता है। मिक्स हो जाने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक अलग कंटेनर में डाला जाता है जिसके नीचे की साइड से इस पेस्ट को फैलाया जाता है। और इस पर इतना प्रेशर लगाया जाता है कि इसमें लगे छोटे छोटे गोले इस मिक्सर के अंदर चले जाएं। दूसरी तरफ इसकी चेरी जैम को एक बड़े से कंटेनर में खाली किया जाता है। इसके बाद इस जैम को पेस्ट्री शीट पर एक कतार में डाला जाएगा।
दूसरी तरफ मैदे के बने इस पेस्ट को कीलो के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस पेस्ट पर बहुत सारी अच्छी अच्छी डिजाइन आ जाती हैं। इसके बाद इस डिजाइन वाली पट्टी को निचले जेम वाले हिस्से पर लगाया जाता है। फाइनली इनके जुड़ जाने के बाद इन्हें आयताकार यानी रेक्टेंगुलर खांचों की मदद से ढक दिया जाता है। जिससे यह जेम साइडों से बाहर ना निकल सके। अब इन पेस्ट्री के ऊपर क्रीमी लेप यानी क्रीम को चढ़ाया जाता है। दोस्तों ऑब्वियसली इस क्रीम को इसलिए चढ़ा जाता है ताकि बाद में इन पर डाला गया मसाला इन पेस्ट्री पर टिक सके। अब ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है और फाइनली पेस्ट्री को पैकेजिंग करके मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।